Hello everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मेकअप करने वाली हूँ अपनी कज़िन की, जिसकी एज है 8 ईयर। एंड इस वीडियो में शेयर करूँगी, अगर आप लोग किसी भी वेडिंग फंक्शन पे जाते हैं तो एक किट का मेकअप आप लोग कैसे करेंगे। बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ मैं ये मेकअप लुक क्रिएट करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग को ऐसे कंटेंट देखना पसंद है तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनको मैंने मॉइस्चराइज कर लिया था पहले ही, फिर यहाँ पर मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया। फाउंडेशन बहुत ही कम अमाउंट में अप्लाई किया है, क्योंकि फाउंडेशन इतना ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किट का स्किन जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। तो एक ब्लेंडर की हेल्प से मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। एंड इसके बाद मैंने अप्लाई किया है कंसीलर, थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करने के बाद इसको मैंने ब्लेंड किया है कंसीलर को। और ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है कम्पैक्ट पाउडर। कम्पैक्ट पाउडर के लिए मैंने ये मामाअर्थ का कम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, और एक ब्रश की हेल्प से मैंने कम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन को सेट करने के लिए। फिर इसके बाद मैंने लिया है एक आईब्रो, मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है, आईब्रो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिप कॉम कर दिया है यहाँ पर आईब्रो को। और इस आई शेडो पैलेट से मैंने ये थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके क्रीज पर अप्लाई किया है, और क्रीज पे फुल लिड पे ही मैंने अप्लाई कर दिया है इस ब्राउन आई शेडो को, और थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। और ब्लेंड करने के बाद मैंने शिमर एक शेड लेके लिड पे अप्लाई किया है शिमर शेड को, क्योंकि इन लोग का आईज जो होता है इतना ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पे क्या मैं आई मेकअप करूँ। और इसके बाद मैंने लोअर लेस लाइन पर आई शेडो अप्लाई किया है ब्राउन वाला। फिर मैंने यहाँ पर आई लाइनर लगाया है, आईलाइनर मैंने बहुत ही थिन सा ड्रॉ किया है आईलाइनर को, दोनों आईज में ही मैंने आईलाइनर लगा लिया है। यहाँ पे मैंने ब्लश अप्लाई किया है फेस पे, और थोड़ा अमाउंट लेके ही मैंने यहाँ पे ब्लश अप्लाई किया है। और ब्लश अप्लाई करने के बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है, और हाइलाइटर मैंने फेस पे नोज़ पे थोड़ा सा अप्लाई किया है। लिपस्टिक के लिए मैंने नायका का लिपस्टिक यूज़ किया है, और नायका का ये न्यूड शेड लिया है, और एक ब्रश की हेल्प से मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है। हेयर स्टाइल भी मैंने कर लिया है सिंपल सा, और आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे हेयर स्टाइल किया है, क्योंकि हेयर शॉर्ट है तो इसीलिए ऐसे हेयर स्टाइल करने से किट को बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये हेयर स्टाइल करने के बाद मैंने क्लिप से अच्छे से हेयर को सिक्योर कर लिया है। स्टोन क्लिप मैंने लगाया है, और आप लोग देख सकते हैं स्टोन क्लिप लगाने के बाद ये हेयर स्टाइल और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोग का हेयर शॉर्ट है। एंड ये क्लिप लगाने के बाद मैंने लगाया है बिंदी, एक स्टोन बिंदी, और इसके साथ हम लोग का लुक होता है कम्प्लीट। एंड आप लोग देख सकते हैं ये मेकअप बहुत ही सिंपल है, बट बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहा है। सो आई होप आप लोग को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।